पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज भी अपने इख्तिताम को पहुंच गई। अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान खेली जाने वाले इस टी20 सीरीज में पाकिस्तान ने तीन अनोखे बड़े एजाज़ अपने नाम कर लिए। इन तीन बड़े एजाज़ में दो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और एक बाबर आजम का बड़ा रिकॉर्ड शामिल है। आखिरकार ये तीन बड़े एजाज़ हैं कौन से, मन की मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मिले घंटी के बटन को दबा दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम तरह खबरें रिकॉर्ड शेड्यूल आपको सबसे पहले यहां पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुसैन स्पोर्ट्स। आपको तफसील से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज इख्तिताम पजीर हो गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टी20 सीरीज में बहुत बड़े रिकॉर्ड बने और बहुत बड़े रिकॉर्ड टूटे। आज हम इस टी20 सीरीज में तीन ऐसे बड़े रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे जिनमें से दो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और एक बाबर आजम का बड़ा एजाज शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया की वो पहली क्रिकेट टीम बन गई जिसने साउथ अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका के देश में टी20 फॉर्मेट में 200 से प्लस स्कोर चेज किया। इससे पहले एशिया की कोई भी क्रिकेट टीम ये बड़ा एजाज़ अपने नाम ना कर सकी, ना भारत, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश और ना अफगानिस्तान। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने तीसरे टी20 मैच में 200 से प्लस स्कोर चेज करके एक बड़ा एजाज अपने नाम किया है। अगर दूसरे बड़े एजाज की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया की वो पहली टी20 टीम बन गई जिसने साउथ अफ्रीका को और साउथ अफ्रीका के देश में चार टी20 मैचों की सीरीज में तीन मैचों में शिकस्त दी। इससे पहले अभी तक अफ्रीका में चार टी20 मैचों की सीरीज नहीं खेली गई थी, लेकिन ये पहली चार मैचों की टी20 सीरीज खेली गई जिसमें पाकिस्तान ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। अलबत्ता इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका को 3 टी20 मैचों की सीरीज में 3 मैचों में शिकस्त दी थी, लेकिन ये चार मैचों की टी20 सीरीज थी इस लिहाज से पाकिस्तान ने ये बड़ा एजाज़ भी अपने नाम किया है। अगर तीसरे और आखिरी बड़े एजाज़ की बात करें तो वो है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का। बाबर आजम दुनिया के वो पहले कप्तान बन गए हैं जिसने 33 सेंचुरी स्कोर की। आपको बताते चलें कि बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शानदार 49 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की थी। इस लिहाज से बाबर आजम टी20 फॉर्मेट के 33 सेंचुरी करने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए हैं। और कप्तान बाबर आजम ने एरन फिंच, एन मॉर्गन और विराट कोहली जैसे बड़े बड़े कप्तानों को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर आपको ये तीन बड़े एजाज अच्छे लगे हैं तो जो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान और बाबर आजम के बारे में कुछ अच्छा सा जुमला ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।